एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाए रियो को जो कि शॉक्ड हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि केले की शादी होने वाली है चार्लेस आर्बर्स से। और इधर हमें पता चलता है वो ही होता है यानी कि जिसने रियो को बचपन में मारा था, यानी कि कोई भी, यानी कि वो एक अच्छा आदमी नहीं था। और इधर रियो उस आदमी से पूछने लगता है जहाँ पर वो बोलता है मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है उन लोगों की शादी के बारे में। और ये बात सुनकर एशिया और रियो वहाँ से चले जाते हैं। और जब मेरे सीधा ऊपर यानी कि आसमान में जहाँ पर रियो और एशिया होते हैं, और इधर रियो एशिया से पूछने लगता है अब मैं क्या करूँ। और इधर एशिया बोलने लगते है तुम्हें जो मर्जी है तुम वो करो। और इधर हारुता बोलने लगता है यानी कि रियो बोलने लगता है कल केलिया की वेडिंग सेरेमनी है और उससे पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ एंड पूछना चाहता हूँ उस आदमी के बारे में। जब वो बोलता है लेकिन केलिया अब एक कैसल में है। और इधर रियो बताने लगता है अब ये कैसल में बहुत एडवांस हो चुका है और इसका डिफेंस बहुत ही टाइट हो चुका है। और इधर एशिया बोलने लगती है तो मैं अपने स्पिरिट पावर से उसे देखने जाती हूँ। और रियो इधर बताने लगता है कि शायद से उस कैसल में ऐसी भी पावर्स हो सकती है जिससे हमें सुपर पावर्स डिटेक्ट कर सकती है यानी कि वो लोग डिटेक्ट कर पाए। इधर वो बोलते है तो मैं कोई बीजे को ढूंढ कर आती हूँ ऐसे में यानी कि केला को ढूंढ कर आती हूँ जैसे तुम उससे मिल पाओगे। और इधर रियो बोलता है हाँ ठीक है। और इधर मैं केला यानी कि एशिया जाने लगती है केला के पास लेकिन इधर ये पूछते है तुम्हें क्या पता है केला का फेस कैसा है। और इधर ऐसा बोलने लगती है हाँ मुझे पता है। और इधर में जैसे केलिया और उसके फादर और उसके साथ ही होता है सर्स आर्बर को। और इधर वो लोग एक साथ ही खाना खा रहे होते हैं। और इधर केलिया की फादर बोलती है कल मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर केलिया बोलने लगती है हाँ मुझे पता है आप अपने काम में बिजी रहेंगे। और इधर सर्स आर्बर बोलता है क्या मैं आपको फादर बुला सकता हूँ। और इधर वो बोलने लगता है हम लोगों ने सेरेमनी के सारे कुछ कामों को कम्प्लीट कर लिया है फिर से अपने माइंड को ठीक करें। और इधर वो दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं। और इधर हमें दिखा देता है चार्लेस आर्बर को जो कि बोल रहा होता है कि उन लोगों की शादी होने वाली है डुका आर्बर यानी कि चार्लेस आर्बर के घर पर। और इधर वो दोनों ऐसी बातें करने लगते है। और इधर हमें पता चलता है कि किला के फादर चार्लेस आर्बर के घर के कमांडर थे। और इधर किले के फादर के यानी कि किले के फादर को भी पता था सर्स आर्बर के बारे में। और इधर वो सोचने लगता है यानी कि केले के फादर सोचने लगता है कि मुझे माफ कर देना केलिया मैंने तुम्हारा सोचा ही नहीं और मैंने ठीक कर दिया तुम्हारी शादी को। और फिर वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा अपने काम को करने के लिए। और इधर में देखते हैं रियो को जो कि देख रहा होता है उन जगह की यानी कि उस कैसल की सिक्योरिटी को। और तभी एशिया यानी कि रियो और एशिया का ब्रेन दोनों कनेक्ट है इसी कारण से मन में ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इधर एशिया बोलती है हाउ तो मैंने पता लगा दिया है कि केला कहाँ पर है। और इधर वो बोलती है वो है उस कैसल के आउटसाइड पर। और इधर मैंने केला को जो कि अपनी यानी कि वो दिखा रही होती है। और इधर वो हारुतो के बारे में यानी कि रियो के बारे में कुछ सोच रही होती है तभी वो एक जगह से वही लेटर को निकालती है जो कि रियो ने उसे लिखा था। और इधर उसे रियो के बारे में याद आने लगता है लेकिन इधर वो उस लेटर को जानने की कोशिश करती है। और इधर वो दुखी भी थी तभी एक आवाज आती है और इधर उस रूम का डोर खुलता है। और इधर केला बोलने लगती है कौन है इधर। और वहां से एक आदमी निकल के आता है। और फिर हमें इधर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं है वो रियो ही है। लेकिन इधर केला उसे देख कर कुछ अलग जैसा लग रहा था क्योंकि रियो ने अपना कलर यानी कि अपना हेयर का कलर चेंज किया था उसी कारण से केला रियो को पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन इधर रियो को ये बात पता चल जाती है और इधर वो अपना हेयर कलर फिर से चेंज कर लेता है। और इधर केला को पता चलता है कि ये रियो है। और इधर वो सोचने लगती है क्या ये एक सपना है। लेकिन इधर वो यानी कि रियो बताता है ये कोई सपना नहीं है मुझे टाइम लगा बहुत देर यानी कि मुझे बहुत देर लगा तुम्हारे पास आने के लिए लेकिन 4 साल के बाद मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है मैं वापस आ चुका हूँ। और इधर केला ये सब देख कर रियो को हक कर लेती है। और इधर वो बोलने लगती है तुम पहले से बेहतर बन चुके हो। इधर वो बोलने लगती है मुझे ये सब एक सपना की तरह लग रहा है। और इधर रियो भी बताने लगता है कि उसने भी बहुत मिस किया है केला को। और इधर वो दोनों को देखने लगते है। और इधर रियो बताने लगता है आप थोड़ा सा चेंज हो चुकी है प्रोफेसर अब आप थोड़ी बड़ी लग रही है। और इधर केला बोलने लगती है अब मैं एक वुमेन हूँ। और इधर रियो बताने लगता है आप पहले से खूबसूरत भी लग रही है। और इधर केला भी बताने लगती है तुम भी बहुत अलग दिख रहे हो तुम स्ट्रांग लग रहे हो बहुत ही स्ट्रांग। और इधर रियो उसे थैंक यू कहता है। और फिर हमें दिखा देता है केला रियो से पूछती है यानी कि टी ऑफर करती है। और इधर वो पूछने लगती है क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ योकोमा रीजन में। और फिर वो उसे टी देने के लिए जाती है।
यानी कि टी को कप पर डाल रही होती है तभी रियो पूछता है, प्रोफेसर आप क्या शादी करने वाले हो या नहीं। और इधर वो बोलने लगता है, मुझे पता चला है कि आप चार्ल्स एडवर्ड के साथ शादी करने वाले हैं। और ये बात सुनकर केलिया बोलती है हाँ। इधर वो यानी कि केलिया बोलने लगती है कि ये सच है। और इधर रियो पता नहीं लगता है, ये बात जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ आपको बुरा लग सकता है लेकिन मैं पूछने वाला हूँ। और इधर वो बोलने लगता है, आप क्या ये शादी चाहती है प्रोफेसर। और इधर केलिया शॉक्ड हो जाती है, यानी ये बात सुनकर केलिया शॉक्ड हो जाती है। और इधर रियो पता नहीं लगता है, मैंने ये पूछा इसी कारण से मुझे माफ कर दीजिए लेकिन क्या आप सच में चाहती है, कल आपकी क्या वेडिंग सेरेमनी है। और इधर केलिया बोलने लगती है, हाँ ये मैं शादी चाहती हूँ और इधर कल हमारी वेडिंग सेरेमनी भी है। और इधर रियो पता नहीं लगता है, क्या तुम उस आदमी से शादी करने वाले हो जो कि है चार्ल्स आर्बोर। और ये बात सुनकर केलिया बोलने लगती है, यानी कि कुछ पाटू कुछ याद करने लगती है जहाँ पर रियो को उसने यानी कि लॉर्ड चार्ल्स ने क्या क्या किया था। और इधर रियो बताने लगता है, क्या आपको कुछ चाहिए जो कि मैं कर सकता हूँ आपके लिए। और इधर केलिया बोलती है, अब मैं बड़ी हूँ यानी कि मेरी एज हो चुकी है जो कि मैं अपने हिसाब से ले सकती हूँ, मैं अपनी रिसेस को ही हमेशा रख नहीं सकती। और इधर वो बताने लगती है कि लॉर्ड चार्ल्स यानी कि चार्ल्स आर्बोर जैसे है यानी कि वो जो लड़कों के साथ करते हैं वैसा वुमेन यानी कि लड़कियों के साथ नहीं करते हैं, लड़कियों के साथ वो बहुत ही अच्छा वर्टअप करते हैं। और इधर ये कुछ सोचने लगता है तभी केलिया सिलाकर उसे पूछती है, क्या तुम मुझे शादी करोगी करोगे रियो, तुम क्या मेरे लिए रुक जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। और ये बात सुनकर रियो शॉक्ड हो जाता है। और इधर वो बोलने लगता है यानी कि बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से ये बातें ही नहीं निकलती है। और इधर केलिया बोलती है, मैंने ऐसे ही ये पूछा। और इधर वो उसे सॉरी मांगती है। और इधर वो बोलती है, सब कुछ भूल जाओ। और इधर केलिया बोलती है, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ रियो। और इधर रियो बताने लगता है कि हमारी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई है। और इधर केलिया बोलने लगती है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर तुम यहाँ पर रुके तो कभी यानी कोई तुम्हें देख लेगा, इससे कुछ भी हो सकता है, कल मुझे जल्दी जानना है, तुम जल्दी से चले जाओ, ऐसे भी मैं यानी कि कल मेरी सेरेमनी है। और इधर वो बोलती है, कल मेरी सेरेमनी में तुम मत आना। और इधर वो बोलती है, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन इधर रियो जाने यानी कि जाने ना वाला था लेकिन केलिया उसे खींच कर यानी कि उस रूम से बाहर निकल देती है। और इधर वो बोलती है, 20 सेकंड में वहां से चले जाना। और इधर वो उसे धक्का देकर वहां से निकाल देती है। और इधर वो गिरने लगती है, फिर वो दरवाजा खोल कर देखती है, वहां पर रियो नहीं होता है। और इधर वो रोने लगती है। और इधर वो बोलती है, तुमने अपना प्रॉमिस को याद रखा और मुझसे मिलने आए, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू रियो। और इधर वो ऐसे ही रोने लगती है। और इधर वो बोल रही होती है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और इधर मुझे एशिया और रियो को और इधर इसे पूछ रही होती है, तुमने कुछ पता लगाया। और इधर रियो पता नहीं लगता है, मैंने उसकी फीलिंग को जानने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। और इधर वो लोग बातें करने लगते हैं जहाँ पर इसे बोलने लगती है, मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करूंगी हारुतो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं हमेशा करूंगी कभी भी। और इधर वो लोग शायद से एक प्लान बनाते हैं। और इधर मुझे सुबह को जहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे होते हैं सेरेमनी के लिए, जहाँ पर हमें दिखाई देते हैं सर चार्ल्स को। और इधर वो होता है रीस के साथ यानी कि सच वो एक विलियन था। और इधर वो दोनों सच दोस्त भी थे। इधर वो बोलता है, आप आए मैं बहुत खुश हुआ। और इधर वो दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं तभी चार्ल्स को यानी कि वो बोल रहा होता है तभी रीस को कुछ पावर एनर्जी यानी कि स्पिरिट का बहुत भयानक एनर्जी महसूस होता है। और इधर चार्ल्स पूछता है, क्या हुआ आपको। लेकिन इधर रीस कुछ भी नहीं बताता है। और इधर चार्ल्स बोलता है, तो क्या आज हम एक साथ रात को मिल सकते हैं। और इधर रीस बोलता है, आज नहीं, आज तुम्हारा शादी है, आज तुम सब कुछ कर लो, कल मिलेंगे या फिर कोई और दिन मिलेंगे। और इधर चार्ल्स सामान यानी कि शर्मा रहा होता है। और फिर वो अपनी सेरेमनी के लिए यानी कि वेडिंग सेरेमनी के लिए चला जाता है। और इधर देखा जाता है केलिया को जो कि रेडी हो चुकी थी अपने वेडिंग सेरेमनी के लिए। और इधर वो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी लेकिन इधर वो बोल रहे होते यानी कि अपने आप से बोल रही होती है, मैं एक डॉल हूँ जिसको कोई फीलिंग नहीं है। और वो सोच रही होती है कि उसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है। तभी वहां पर आ जाता है लॉर्ड चार्ल्स। और इधर वो आकर बोलता है कि तुम रेडी हो चुकी हो। और इधर वो बोलती है हाँ। और इधर वो बाहर आ जाती है जहाँ पर देखे जाए लॉर्ड चार्ल्स के सिक्स वाइफ को यानी सिक्स वाइफ थे उसके। और चार्ल्स को और एक वाइफ चाहिए थी और वो है केलिया यानी कि केलिया उसकी सेवेंथ वाइफ बनने वाली थी। और उसी में चार्ल्स को कुछ काम आता है, वो जाने लगता है। इधर वो बोलता है, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। इधर वो वहां से चला जाता है जहाँ पर चार्ल्स के फर्स्ट वाइफ
केरा के पास आकर बोलने लगती है, तुम सालिस के सेवेंथ वाइफ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारे फेस पर कुछ भी स्माइल नहीं है। और इधर वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं और इधर में दिखाई देता है केरा को, जो कि उन लोगों की बातों से फिर से दुखी हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर आ चुकी थी प्रिंसेस क्रिस्टियाना। और तभी क्रिस्टियन को दिखाया जाता है जो कि केरा के पास आकर बोलती है, उससे मिलकर खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मिले। और जब दिखाई जाए सब लोग उसके यानी कि खुनों के बल आ चुके थे उसको देखकर। इधर सालिस की फर्स्ट वाइफ बोलने लगती है, आओ हमारे साथ बातें करे उस रूम पर। और इधर क्रिस्टियन यानी कि प्रिंसेस क्रिस्टियाना बोलने लगती है, मैं सिर्फ अपने फॉर्मर टीचर यानी कि अपने प्रोफेसर किलिया के साथ ही बातें करना चाहती हूँ। और इधर वो लोग यानी कि उसके यानी कि सालिस के सारे भाई वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाई केलिया और प्रिंसेस क्रिस्टियाना को जो कि एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टियाना सालिस यानी केलिया से माफी मांग रही होती है। इधर वो बोल रही होती है, जो आप पहले मुस्कुराती थी अब आप मुस्कुरा नहीं रही है, इसका एक ही वजह है, मुझे पता है आप सालिस से शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन मेरी वजह से ये सब हुआ। यानी कि शायद से क्रिस्टियाना ने केलिया की शादी सालिस से कर दी थी, इसी कारण से वो माफी मांग रही होती है। अगर क्रिस्टियन बोलती है अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसके यानी ये शादी रुकवा सकते हैं। और इधर केलिया बोलती है थैंक यू। और इधर में दिखाई देता है सालिस को जो कि यानी कि एक आदमी उसके साथ होता है, इधर वो बोल रहा होता है उसके वेडिंग सेरेमनी है उसमें कुछ शानदार करने के लिए। और उसके पास यानी कि जो उसके साथ वो आदमी आया था वो एक सॉर्ट ऑफ वॉरियर था जो कि उस जगह के यानी कि उस जगह का एक हीरो की तरह था, और जिसका बात सब लोग सुनते हैं। और जब वो बोल रहा होता है यानी कि सालिस बोल रहा होता है तुम्हें वो करना होगा यानी कि मुझे एक शानदार वेलकम चाहिए। और इधर दिखाई देता है लॉर्ड सालिस। और इधर उसके साथ होती है किलिया जो कि कैसल पर आ रहे होते हैं घोड़ा गाड़ी से, और इधर उसके साथ ही बहुत सारे वॉरियर होते हैं। और इधर वो लोग यानी कि उन लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं, लेकिन इधर दिखाई देता है किलिया दुखी होती है। फिर हमें दिखाई देता है रियो को जो कि उस तेज में के बीच पर ही होता है यानी कि लोगों के बीच पर होता है। और इधर वो बातें कर रहा होता है एशिया के साथ, और इधर वो बोल रही होती है यानी कि एशिया बोल रही होती है वो बहुत पास है रियो तुम्हारे के लिए आ रही है। और इधर में दिखाई देता है केलिया को जो कि सब लोगों को हाई के लिए होती है। और तभी हमें दिखाई देता है एशिया केलिया के साथ बात कर रही होती है, उधर वो बोल रही होती है केलिया। और इधर केलिया ये आवाज सुनकर बोलते कौन है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ रही होती है एशिया। और इधर इसे बोलने लगते हैं सिलिया तुम ठीक हो जाओ यानी कि काउंट डाउन हो जाओ, तुम्हें इतनी देर उससे सिलाने की कोई बात नहीं है। और इधर वो बोल रही होती है यानी कि केलिया बोल रही होती है कि कौन है। और इधर वो बोलते है मैं एशिया हूँ, रियो ने मुझे पूछा था तुम्हारे साथ बात करने के लिए। ये बात सुनकर वो बोलते है तू रियो कहाँ पर है, और इधर वो बोलती है तुम्हारे राइट पर देखो। और इधर हमें दिखाई देता है केलिया देखती है वहाँ पर रियो होता है। उधर रियो को देखकर वो खुश हो जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यानी उसने तो बोला था तू मेरे सिनेमा में मत आना, और फिर वो फिर से दुखी हो जाती है। और ये सब देखकर लॉर्ड सालिस बोलने लगता है क्या हुआ तुम्हें, और इधर केलिया बोलती है मैं ऐसे ही दुखी हो गई हूँ क्योंकि मेरा शादी है मैं सबसे दूर हो रही हूँ। और इधर सालिस बोलता है तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, तुम हंसो लोग तुम्हें देख रहे हैं। और जब दिखाई देता है वो लोग कैसे में पहुंच चुके थे, और इधर सालिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है केलिया को, और इधर वो भी अपना हाथ देने लगती है। इधर वो बोल रही होती है आई एम ए डॉल यानी कि वो एक डॉल है जिसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है जहाँ पर रियो को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं यानी कि सोल्जर्स होते हैं। और ये एपिसोड एंड हो जाता है।